हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस कुमाऊनी ब्लॉगर में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही। अभी ना मैं छत पर हूँ, तो छत पे थस से ब्लॉग की शुरुआत कर रही। अभी जो घर का सारा काम निपटा के छत पर आई हूँ, और अभी यहाँ का मौसम कैसा हो रहा करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो मैंने हल्द्वानी नुमाइश वाला ब्लॉग भी डाल रखा है, आप लोगों ने देखा होगा। वो बहुत अच्छी नुमाइश लग रही है हल्द्वानी में, आप लोग भी आइए देखने के लिए। तो गैज ये है ना यहाँ का अभी का मौसम, तो ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ मौसम अभी बारिश आने वाला हो रखा है, बट क्या है कि ना दिन में तो अच्छी धूप आ रही थी, फिर शाम के समय फिर से एक बार बारिश आने का जैसा मौसम बन गया था। फिर उसके बाद फिर से धूप आई, तो फिर से अभी ऐसा होने लग गया चारों ओर से मौसम। देखो ये लग रहा है कि बारिश आती है करके, और आज फिर से बारिश आके तो ठंड जैसा हो रहा है ना। जैसे बारिश बंद हो रही तो धूप आ रही है, तो थोड़ी देर फिर से गर्मी जैसे हो जा रही है, उमस हो रही। बारिश से ज़्यादा गर्मी बढ़ जा रही, तो मुझे तो ना बारिश पसंद नहीं है। धूप ही अच्छी लगती है। बारिश में कीचड़ ईचड़ दुनिया भर का हो जाता है। और बात रही कपड़ों की, नहाना धोने करने के बाद कपड़े भी सारे गीले पड़ जाते हैं, बच्चों के तो ज़्यादा ही कपड़े भी सूखने मुश्किल हो जाते हैं बारिश से, इसलिए बारिश नहीं भी आती तो चलता। अभी ना यहाँ पर सारे बच्चे लोग भी सब खेलने में लगे हुए हैं, और बारिश आती है करके कि सब कोई लोग तो घूमने को जा रहे थे, तो अपने घर को जा रहे हैं फिर से। और अभी ना बाहर मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा है, अच्छा लग रहा है। अंदर जाने का मन नहीं कर रहा ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम। आजकल ना बारिश के उससे सारी रोडों में कीचड़ कीचड़ हो रहा, तो मैं इधर उधर घूमने नहीं जा रही, छत पर ही घूमना हो रहा। फिसलने का डर रहता है ना, रास्ते में कीचड़ हो रहा है, और बाहर रोड पे पानी इकट्ठा हो रखा है, तो बारिश का मच्छर लगते हैं। छत पे सूखा सूखा हो रहा है, अच्छा घूमने के लिए। तो गाइस मैं ना अभी आ गई छत से नीचे, तो अभी तक छत में थी, ठंडा हो रहा था वहाँ काफ़ी ज़्यादा। छत से नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा था, बट बात रही कि खाना भी बनाना है ना, खाना बनाने के चक्कर से नीचे आना पड़ा। सब्जी तो मैंने बना रखी है आलू भिंडी की, और नानू के लिए रोटी भी बना दी थी। नानू तो रोटी खा के सो चुका है, सो गया है वो। नानू क्या है कि ना, नानू पूरे दिन भर सोता नहीं है, आंगनबाड़ी जाता है, वहाँ से आने के बाद खेलने में रहता है, और दिन में अपने पापा लोगों को भी नहीं सोने देता है किसी को भी। और अपना तो ना शाम को खा पी के जल्दी सो जाता है। नानू सो गया था 7:15 बजे, नानू सो रखा है। अब उठेगा नानू वही मॉर्निंग में 6:30 से 7 बजे के बीच में, सुबह उठ के उठेगा तो बस फिर खेलना शुरू कर जाएगा। ले पानी 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 में ही खेलते रहता है लगातार, कभी बाथरूम में चले जाता है, गिलास पकड़ता है, मम्मा मैं गिलास से पानी भर के लाता हूँ, आपको नहलाऊंगा। आजकल हम लोगों ने नानू को डराने की आदत बना रखी है ना, जैसे वो बाथरूम में घुसेगा तो हम बोलते हैं नानू जल्दी से साबुन लेके आते हैं करके, यहाँ मिस्टर जी बोलेंगे मैं साबुन से नहला देता हूँ करके तेरे को। नानू बोलेगा नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं मेरे को मारना मत, और साबुन मत लगाना, मैं नहीं जा रहा हूँ, जल्दी से आ जाऊँगा, सॉरी पापा बोलेगा कान पकड़ के, नहीं जा रहा हूँ करके। आजकल नानू ने ना पानी में खेलने का छोड़ दिया, पानी में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान करना पड़ा था। बीच में तो हम लोग बाथरूम का दरवाज़ा लॉक करके रख लेते ना ताला लगा के, आजकल ताला भी नहीं लगाना पड़ रहा नानू के चक्कर से। मेरा नानू ना बहुत अच्छा है, तो नानू सो जाता है तो ना नानू को सोने के बाद बहुत ज़्यादा याद आती है नानू की, थोड़ी ऐसा लगता है कि नानू थोड़ी देर और जागता और खेलता करके मस्ती करता हम लोगों के साथ, फिर जो सोता। और एक प्रकार से ऐसा लगता है कि नानू सो क्यों नहीं रहा होगा, जब परेशान करता है तो ऐसा मन करता है खूब पटका लूं। आजकल ना बारिश ही हो रही थी लगातार, बारिश से अजीब सा हो रहा था मेरे को तो ना, बारिश सबसे बेकार लगती है, बारिश में बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगता है। बट क्या होता है कि ना बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, जैसे हम लोगों ने तो काम धंधा कुछ करना नहीं हुआ, जो लोग पहाड़ में रहते हैं जिनने गाय बच्चियाँ पाली होती हैं उन बेचारों ने तो देखो कैसा करना पड़ता है, घास भी काटना हुआ, सभी कुछ बाहर निकलना ही हुआ, गाय बच्चों का पूरा काम करना हुआ, खेतों का भी। बारिश डेली डेली हो जा रही थी ना, पहाड़ के लोगों को बारिश से बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। जैसे बहुत सारे लोग अपने घर गए थे तो छुट्टियाँ मनाने, अभी भी कई सारे लोग नहीं आ पहुँचे हैं, मतलब रोड के कारण कई जगह रोड भी खराब हो रखी है। अभी ना मैं भी अब खाना बनाऊंगी, गर्मी से ऐसा लग रहा है कि रोटी बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ऐसा मन कर रहा है कि चावल चढ़ा दूँ करके, चावल खाती करके। बट क्यों है कि ना सूखी सब्जी के साथ चावल नहीं खा देता है, फिर से दाल बनाने का जब उबाला हो जाएगा, इससे अच्छा रोटी बनाती हूँ। मैंने ना झोड़ा डाल रखा था, झोड़ा बहुत सारे लोगों ने दे रखा है, झोड़े में व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे, क्योंकि वो झोड़ा ना मेरे मायके के इष्ट देवता के मंदिर में लगा था,
तो वहाँ गए, मैं तो नहीं जा पाई पहले, इससे पहले वाले भागवत में गई थी मैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ही, और झोड़ा बहुत अच्छा है, कुमाऊनी झोड़ा बहुत सारे लोगों को पसंद आ रखा है और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे। मैं ना जल्दी से रोटी बनाती हूँ, उसके बाद फिर से मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी से। तो गाइस मेरा ना खाना बन चुका है, तो रोटी बनने के बाद मैंने सासू माँ को दे दी है रोटी बना के, बट क्या है कि हम लोग अभी थोड़ी देर में खाएंगे। अभी ना मैं फिर से घूमने जा रही हूँ बाहर, यहीं पर थोड़ा मार्केट था, बहुत ज़्यादा गर्मी जैसी हो रही है, मैंने कहा घूमाती हूँ करके। अभी मिलती हूँ, यहाँ का नाइट का मार्केट दिखाऊंगी। तो गाइस मैं ना अभी मार्केट में घूम रही हूँ, दिखाती हूँ अभी आप लोगों को बैक कैमरे में यहाँ की मार्केट नाइट की। तो ये रहा हमारे यहाँ का नाइट का मार्केट। तो अभी ना मार्केट सारी बंद होने जा रही है, सारी शॉप बंद हो गई, कोई कोई खुली है, बस हो गया, और इधर उधर को आने जाने वाले लोग हैं, गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो गाइस मैं ना आ गई मार्केट से घूम के घर, तो घर आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद जो खाना भी खा लिया हम लोगों ने, बट क्या है कि बर्तन वर्तन सारे धो लिए, निपटा लिया सारा काम, और अभी करेंगे सोने की तैयारी। अभी थोड़ी देर में सोएंगे, अभी तो नहीं सोएंगे, मतलब सोने के बाद थोड़ी देर फ़ोन चलाएंगे, उसके बाद तो सोएंगे। फ़ोन पे आजकल फ़ोन जो हुआ ना, सब चीज़ सहारा तो फ़ोन में ही लगे रहते हैं, तो थोड़ी देर फिर उसके बाद जो सो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी भी ऊपर ना आसमान में लाइट चमक रही है, तो ऐसा लग रहा है कि बारिश आती है शायद फिर से। अभी मेरे छत पर कपड़े भी हैं, छत से कपड़े भी लाती हूँ, आधे सूखे भी होंगे तो आधे तो अंदर ही सूख जाएंगे ना ऐसे पंखे की हवा से, नहीं तो बारिश में भीग जाते हैं। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से नए दिन के साथ, एक नया ब्लॉग लेके। ओके बाय बाय, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।